Hello guys, welcome back again to your own YouTube channel. So this is a prediction video for your 11th July IELTS exam. तो अगर आपका भी exam है उस दिन, make sure कि आप इस video को last तक जरूर देखिएगा. I will mention some important reading passages और साथ ही आपको task 1 and task 2 दोनों की मैं statements बताऊंगा, जिसमें से आपको exam repeat होते हुए देखने को मिल सकता है. In previous exam आपको पूरा का पूरा writing module यानी कि दोनों task 1 and 2 मेरी राइटिंग बुक में सही देखने को मिले. सेम टू सेम क्वेश्चन विद सैम्पल आंसर मैंने प्रोवाइड कर रखे थे. इवन जो आपका 22 जून को एकेडमिक प्लस जीटी एग्जाम हुआ था, उसमें भी दोनों राइटिंग टास्क 2 एंड टास्क 1 मेरी बुक में से ही आए थे. अगर आप पिछले 15-20 एग्जाम उठा के देखें तो ज़्यादातर जो आपके राइटिंग टास्क 2 एंड 1 आ रहे हैं वो इसी पास्ट एग्जाम बुक में से आ रहे हैं जो मैंने स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बनाई है. और इसके अलावा रीडिंग के पैसेजेस भी आ चुके हैं. लिसनिंग आपको मेरे चैनल से ही आती रहती है. सो जिसको भी एग्जाम की प्रेपरेशन करनी है, आई वुड सजेस्ट कि आप इस पास्ट एग्जाम मटेरियल से करें. बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपको इसमें से एग्जाम देखने को मिले. सो जिन भी स्टूडेंट्स ने ये बुक्स मेरे से बाय करी थी, उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया. आप देख ही सकते हैं दोनों टास्क 1 एंड 2 आए और उन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे थे. सो अगर आपने भी एग्जाम की प्रेपरेशन करनी है, 7 to 8 बैंड्स अगर आप लेना चाहते हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक्चुअल एग्जाम मटेरियल से प्रिपेयर करें. अगर आप खुद से ढूंढ सकते हैं तो आपके लिए बढ़िया है. अगर आपको प्रॉपर बुक्स कंपाइल्ड चाहिए तो आप मेरे से ये बुक्स परचेज कर सकते हैं. लेट्स सी कि आपको इस एग्जाम के अंदर क्या देखने को मिल सकता है. सो 11 जुलाई को आपको टास्क 1 में पाई चार्ट और डायग्राम, इन दोनों में से एक आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, बिकॉज पाई चार्ट आपका पिछले 10-15 एग्जाम से नहीं आया है. सो चांसेस हाई हैं. उसी तरह आपका जो मैप डायग्राम है, चाहे वो प्रोसेस हो या मैप हो, वो भी अभी एटलीस्ट 6-7 पिछले एग्जाम्स में नहीं आया है. सो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि इस बार आपको देखने को मिल सकता है. टास्क 2 की अगर बात करें तो पिछली बार जैसे मैंने बताया था, एग्री डिसएग्री टाइप क्वेश्चन देखने को मिला आपको. इवन मैंने एग्ज़ाम का जो टास्क 2 है वो आपको वीडियो में भी साफ मेंशन किया था. अगर आप ध्यान से सुने तो मैं आपके सुना देता हूँ कि मैंने क्या बोला था टास्क 2 को लेकर. तो जैसे आपने सुना, मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में भी क्लियरली क्वेश्चन आपको बताया था ड्रेस कोड वाला एम्प्लॉयर्स की. सो उसी तरह इस बार भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ज़्यादा चांसेस यही हैं कि एग्री डिसएग्री टाइप क्वेश्चन देखने को मिले या फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज. ये दोनों आपकी मेन कैटेगरीज रहेंगी 11 जुलाई के एग्ज़ाम के लिए. कौन से टॉपिक्स आपने कवर करने हैं उसमें आपका टेक्नोलॉजी टॉप पर रहेगा. इसमें आपके डिवाइसेज हो सकते हैं या फिर टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट हुआ है सोसाइटी के ऊपर, लोगों के लाइफस्टाइल के ऊपर. इसमें आपका मोबाइल फ़ोन होगा कि एंटी सोशल है स्मोकिंग, या फिर जो गैजेट्स वगैरह बच्चे लेते हैं उनके ऊपर हो सकता है. सेकंड टॉपिक वुड बी बेस्ड ऑन योर फैमिली. फैमिली के ऊपर भी स्टेटमेंट आ सकती है कि जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए एल्डरली लोगों को, ठीक है, या फिर अपब्रिंगिंग में चिल्ड्रन की सारे रिलेटिव्स का हाथ होना चाहिए, ठीक है. थर्ड हॉट टॉपिक वुड बी फूड एंड हेल्थ. इनमें आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो ओबेसिटी के ऊपर रह सकता है, फैटनिंग फूड्स के ऊपर, ठीक है. एंड एनवायरनमेंट क्वेश्चन, जो कि क्लाइमेट और पॉलिटिशियंस एंड इंडिविजुअल्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो दीज आर दी एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चंस. इनमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा. उसके बाद अगर बात करें तो ये एनवायरनमेंट वाला, ये हर साल रिपीट होता है, तो हो सकता है इस बार का आपको देखने को मिल जाए. देन वी कैन सी ये ओवरवेट वाला जो मैंने अभी आपको बताया. सो ये आपके क्वेश्चंस हैं, खुद से अगर आप ढूंढ सकते हैं तो अच्छी बात है, आप ढूंढ लीजिएगा इनके आंसर्स. अगर आपको प्रॉपर बुक चाहिए जिनमें सैम्पल आंसर्स हो आपके, तो आप मेरे से वो बुक्स परचेज कर सकते हैं. आपको कॉम्बो पैक मिलेगा, रीडिंग लिसनिंग राइटिंग तीनों बुक्स आपको साथ में मिलेगी. सो मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन को भी देखिएगा, डायनासोर स्पीशीज की एक्सटिंक्शन वाला. अगर 11 जुलाई को इन्होंने थोड़ा मुश्किल करना हुआ राइटिंग टास्क 2, तो वो स्पेस के ऊपर क्वेश्चन डालेंगे, जैसे ये वाला मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर स्पेंट ऑन स्पेस रिसर्च. तो इसको आपने ज़रूर एक बार देखना है, इनके आइडियाज़ को आपने कंसिडर करना है, बिकॉज दीज आर हाईली रिपीटिंग क्वेश्चंस. ये हर साल रिपीट होते हैं, इस साल अभी तक नहीं आए हैं. सो इनमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है. इनको आप अच्छे से इनके आइडियाज़ देख लीजिएगा. अगर आप लास्ट डे पर ये वीडियो देख रहे होंगे तो सिंपली इनके आइडियाज़ आप रीड कर लेना, आपको लिख कर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है. उसी तरह टास्क 1 की अगर मैं बात करूँ तो डायग्राम आपका सॉफ्ट चीज़ मेकिंग प्रोसेस जो है ये इम्पॉर्टेंट है. आगे बात करें तो आपका रहेगा
लेट मी टेल यू, या दिस वन ब्राइटन यूनिवर्सिटी वाला पाई चार्ट जो है आपका, आगे आपका कटिंग टूल्स, ये टूल वाला, एंशियंट टूल वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है, हर साल मिलता है, इस बार नहीं आया है, सो इस बार आपको ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो जो भी टास्क वन इम्पॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, वो मैंने अभी यहाँ पे आपको बता दिए हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर लेना। बिफोर मूविंग ऑन टू द रीडिंग मॉड्यूल, आप सबको मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्रिडिक्शन का मकसद आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानकारी देना होता है। आपने ये नहीं समझना कि जो मैंने बोल दिया वो गारंटीड आएगा ही। प्रिडिक्शन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने प्रिपेयर करना है। बेसिक आइडिया आपको हर तरह के क्वेश्चन का होना चाहिए ताकि आप कंपाइल कर सकें ऐसे को अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है, आपको ज़्यादा मुश्किल ना आए। सो रीडिंग मॉड्यूल आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगी आपकी, बिकॉज पिछली वाली एज एक्सपेक्टेड आपकी वो थोड़ी एवरेज टू डिफिकल्टी थी। सो इस बार आपको थोड़ी इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगी। पैसेज वन में होंगे आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड ब्लैंक्स, उसके बाद पैसेज टू विच पैराग्राफ कंटेन्स इन्फॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ पीपल एंड ब्लैंक्स। पैसेज थ्री में आपके आएंगे MCQs, यस नो नॉट गिवन एंड मैचिंग दी सेंटेंस एंडिंग, ये क्वेश्चन टाइप आपके रहने वाले हैं पैसेज थ्री में। सो ये हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट पैसेजेस, इनमें म्यूजिकल मेलोडीज बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, लिविंग ड्यून्स, रेलिश द फ्लेवर, ये जो पैसेज है रेलिश द फ्लेवर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कैथरीन मैंसफील्ड, एक आपको पर्सन के ऊपर पैसेज आ सकता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट टू या फिर कैथरीन मैंसफील्ड, ये कुछ इंपॉर्टेंट पैसेजेस हैं आपके लिए। आगे चलें तो द वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया आपका, एंड साथ ही आपका पेपर और कंप्यूटर। सो ये हैं आपके इंपॉर्टेंट पैसेजेस, इनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो आप सिर्फ आंसर्स की इंपॉर्टेंट लोकेशन को एक बार देख के एग्जाम में जा सकते हैं, ताकि आपको कुछ अगर याद रह जाए तो आपको अच्छे से 5-6 नंबर फ्री के मिल सकते हैं। अब बात करेंगे आपके लिसनिंग मॉड्यूल की। सो लिसनिंग ईजी रहेगी आपको, पार्ट वन रहेगा आपका, वन वर्ड टू वर्ड टाइप ब्लैंक्स ही रहेंगी आपकी, नोट्स कंप्लीशन आने वाली है उसमें। पार्ट टू में आपको MCQs एंड मैचिंग टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मैप इस बार नहीं आएगा, लास्ट एग्जाम में आ गया था। पार्ट थ्री में आपका अगेन लॉन्ग MCQs एंड मैचिंग। पार्ट फोर लेक्चर टाइप रहेगा आपका, ये बेस्ड हो सकता है एनिमल्स के ऊपर, क्रिएचर्स के ऊपर, या फिर हिस्ट्री ऑफ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट या किसी का भी हो सकता है, वो अगेन वन वर्ड टू वर्ड टाइप ब्लैंक्स ही रहेंगी। ये कहाँ से प्रैक्टिस करनी है आपने, ये लिसनिंग है आपकी जो कि मेरे चैनल से है, और वहाँ से आपको बहुत बार लिसनिंग रिपीट हो चुकी है। अगर आप पिछले एग्ज़ाम को उठा के देखें जो आपका सिर्फ एकेडमिक वाला हुआ था, उसमें आपको हाउस रेंटल वाली जो आई थी लिसनिंग मेरे ही चैनल से आई थी, और पहले भी बहुत सारी लिसनिंग्स रिपीट हो चुकी हैं एग्ज़ाम के अंदर। आपको मैं दिखा देता हूँ कौन सी हो चुकी हैं, कॉलर रिकॉर्ड कार्ड वाली रिपीट हो चुकी है, होटल बुकिंग इंक्वायरी वाली रिपीट हो चुकी है, आगे अगर देखें तो ये बिल्डिंग वर्क वाला भी रिपीट हुआ है। इंपॉर्टेंट मुझे इस बार मूविंग ऑफिस वाली लग रही है, और उसके अलावा अगर आप मेरे से पूछें तो क्या हाउ डिनर इफेक्ट्स योर एनवायरनमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलें तो आपका बिस्लामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिस्लामा द लैंग्वेज ऑफ वनवाटू, सो इनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा एग्ज़ाम में, आपके ये एक सेक्शन तो कम्प्लीट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा अगर लिसनिंग रिपीट होती है तो। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, डेली मैं पास्ट एग्जाम लिसनिंग यहाँ पे डालता रहता हूँ। सो जिस भी स्टूडेंट को मुश्किल आ रही है IELTS एग्ज़ाम क्लियर करने में, अगर आपने या फिर मटेरियल परचेज करना है मेरे से, पास्ट एग्जाम बुक्स लेनी है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड रिजल्ट आपके यहाँ सामने ही है, 8.58 बैंड्स लिसनिंग रीडिंग में ऐसे बहुत सारे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इवन मैंने रिसेंटली भी अपने चैनल पर ही डाला था एक स्टूडेंट का रिजल्ट, जिनके पहले कितने बैंड आए थे, 5.5 रीडिंग में थे, 6 लिसनिंग में थे उनके, एंड विद इन 1 मंथ उन्होंने इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट करा है कि अब उनके रीडिंग में 7 आए हैं और लिसनिंग में 8 आए हैं। तो सब कुछ पॉसिबल है, आप भी 7-8 बैंड ले सकते हो, बस जो मैं आपको स्ट्रैटजीज बताऊँगा उनको आपने फॉलो करना है, एंड मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपकी इतनी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी कि आप 6.56 बैंड्स इजीली ले पाएंगे। फीस भी मैंने अफोर्डेबल ही रखी है, ज़्यादा नहीं रखी है, तो आप इजीली पे कर सकते हैं। जिसको भी एनरोल करना हुआ जल्दी करिएगा, एक बैच में सिर्फ 4-5 स्टूडेंट ही रखता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं रखता हूँ, ताकि प्रॉपर अटेंशन हर स्टूडेंट को मिल सके। सो मेक श्योर
कि दोनों चैनल्स को मेरे आप सब्सक्राइब करिए, ये वाला मेन चैनल है, ये लिसनिंग का चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड हिट द बेल आइकॉन। जो भी आपको डाउट क्वेरी होती है मुझे डायरेक्टली मैसेज कर लिया करें। थैंक यू सो मच, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।